नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और उनकी सेवाओं का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आईबी इंडिया न्यूज़ के कैमरे में जीवनदायिनी नाम से जानी जाने वाली एक स्वाट एम्बुलेंस सेवा की एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैद हुई है जिसको देख कर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और जहाँ शिकायतें आती हैं कि 108 एम्बुलेंस का फोन नहीं लगा, वो आई नहीं या समय से नहीं पहुंची, जिस कारण कभी कभी लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ऐसे में कन्नौज जिले में तैनात 108 एम्बुलेंस सेवा मरीजों को लाने तो नहीं पर किराए पर चलने और तेल से भरे डिब्बों को ढोने का काम कर रही है। देखिए योगी जी, आपकी 108 एम्बुलेंस सेवा कैसे है स्वास्थ्य महकमे की धज्जियां उड़ा रही है। सौरिक थाना क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा में तैनात कर्मचारी चंद पैसों के लालच में खुलेआम मरीजों की जगह तेल के डिब्बों को भर रहे हैं और किराए पर चलवा रहे हैं। वहीं जब ये सब तस्वीरें हमारे आईबी इंडिया न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई तो एम्बुलेंस में तैनात कर्मचारी भागते हुए दिखाई पड़े। 108 एम्बुलेंस चालक बड़ी आराम से एम्बुलेंस को दुकानदार की दुकान के ठीक सामने लगाकर तेल के ड्रामों को लोड करवा रहा है। जिस जगह मरीज होने वहाँ पर तेल में ड्रम है, और जब इसके लिए हमने उनसे बात करनी चाहिए तो जनाब भाग खड़े हुए। वही आम पब्लिक जब अपने बुरे वक्त में इनको फोन करता है तो बावजूद ये नहीं पहुंचते। आपने देखा है कि एम्बुलेंस को ना तो ही डीजल मिल पा रहा है, ना ही कर्मचारी को वेतन मिल पा रहा है। इसलिए जितने ड्राइवर कंडक्टर हैं उस पर रहते हैं, वो लोग उस भड़क चला रहे हैं, सवारी बैठाते हैं कि माल ढोबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात रही है तो आपने देखा होगा 100 नंबर फोन करिए, मान 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची है और घायलों को उठा के लाती लेके अस्पताल में भर्ती कराती है। जबकि ये पूरा काम 8 वालों का है, लेकिन फिर भी पुलिस मदद करती है। हम पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि जनता की जान बचाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एम्बुलेंस अस्पतालों की बात करें, कभी तेल नहीं होता है तो कभी ड्राइवर नहीं होता है, ड्राइवर होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और सब कुछ होता है तो गाड़ी कहीं पे किराए पर चल रही होती है। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की हो गई है तो और विभागों की क्या। जब स्वास्थ्य विभाग बहुत माने रखता है, इमरजेंसी में अगर ज़रा सी चूक हो गई तो किसी की जान जा सकती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जंगल कहते, जो राम राज की बात करते थे, उन्होंने जंगल राज कायम कर दिया है। और आप देखें, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया है। ये बड़बोले लोग हैं, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। वाणी वीरों से हम तो लोग पहले कहते थे सावधान रहना, ये कर्मवीर नहीं है, ये वाणी वीर हैं, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट लेना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। सारी व्यवस्था है, एम्बुलेंस 108 और सब चौपट कर दी। वही EME 102 108 जिला प्रभारी कन्नौज का कहना है कि एम्बुलेंस का प्रयोग आम जनमानस की सुविधाओं के लिए होता है, किसी एम्बुलेंस को सवारी वाहन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह के जनपद में कहीं कोई मामला है तो जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 108 102 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस मरीजों को ले जाने और छोड़ने की व्यवस्था है, अरे मेरे संज्ञान में नहीं है। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत बड़ी अच्छी योजना है, तो मैं इनके कार्रवाई जरूर करूंगा।